हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन था। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। आज का प्रश्न है कि व्हाट इज अ वेफल या व्हाई वेफल वी यूज इन हीट एक्सचेंजर या वेफल पर्पस इज इन हीट एक्सचेंजर, यानी कि वेफल क्या है, इसका हीट एक्सचेंजर में क्या यूज है या वेफल का पर्पस क्या है हीट एक्सचेंजर में देने का। ये बेसिकली जो है मैक्सिमम जो है सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में हम वेफल्स का यूज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, क्या इसका कारण है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है वेफल्स का एडवांटेज ये है कि वेफल्स क्रिएट टर्बुलेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड साइड फ्लो ऑफ द सेल साइड लिक्विड इन हीट एक्सचेंजर, यानी कि हीट एक्सचेंजर में जो है वेफल्स जो है लिक्विड अगर सेल साइड में जो लिक्विड है तो उसमें क्या है वो टर्बुलेंस क्रिएट करता है। जैसे सपोज करो कि लिक्विड यहाँ पे आया और यहीं से चला गया, जैसे यहाँ अगर वेफल्स नहीं होती, यहाँ पे ये वेफल्स मैंने बना रखे, ये चार वेफल्स हमने बना रखे, 1 2 3 4। तो अगर सपोज करो कि अगर वेफल्स हमने लगाते और यहाँ पे कोई अगर लिक्विड यहाँ पे इन कराते, यहाँ पे लिक्विड इन कराते तो ये सीधे नीचे आती और कहीं से भी अगर यहाँ आउटलेट है तो ये सीधे नीचे आती और यहाँ से आउट हो जाते। तो ये जो है एक तरह से लेमिनार फ्लो होता, लेकिन ये जो है अगर वेफल्स लगा दिए तो अब वही लिक्विड जो है पहले यहाँ गिरेगा, फिर ऐसे घूमेगा और ऐसे घूम के नीचे जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से जो है सेल साइड का जो लिक्विड है उसमें ये क्या है, वेफल्स ने क्या करा दिया, टर्बुलेंस करा दिया। और टर्बुलेंस का आप जानते हो कि टर्बुलेंस जैसे जितना अधिक होता है, टर्बुलेंस क्या जो है एक तरह से आपने पढ़ा होगा एक लैमिनार फ्लो और एक जो है एक टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो टर्बुलेंस यानी कि टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो उस केस में क्या है कि जितनी भी टर्बुलेंसी बढ़ेगी उतना ही हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी बढ़ेगा, यानी कि टर्बुलेंसी क्रिएट करा दिया जिसकी वजह से उसकी जो है एक तरह से वेलोसिटी भी बढ़ गई और उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी बढ़ गया। तो पहला जो है मेन पर्पस तो ये है कि वेफल्स क्रिएट टर्बुलेंस इन द फ्लो ऑफ द सेल साइड लिक्विड इन हीट एक्सचेंजर। ठीक है, समझ में आ गया कि जो सेल साइड का जो लिक्विड आ रहा है उसमें टर्बुलेंस क्रिएट कर देता है और जितना टर्बुलेंस अधिक होगा उतना ही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अधिक होगा। ठीक, दूसरा लेकिन ये इसका एक वो भी है कि लेकिन ये कब लागू होगा कि इफ देयर इज नो फेज चेंज इन सेल साइड फ्लूड, जो हमने सेल साइड में जो फ्लूड दिया है लिक्विड अगर इसमें कोई फेज चेंज ना हो तभी आप कह सकते हो, तभी ये कथन सही होगा। अगर नहीं तो इसमें सेल साइड में जैसे आपने इन करा अगर उसका फेज ही चेंज हो गया तो वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिक्विड का दे दिया, अगर यहाँ पे हम सपोज करो कि लिक्विड में अमोनिया है और हमारा ट्यूब साइड में स्टीम जा रही है, ट्यूब साइड में क्या है स्टीम जा रही है और सेल साइड में क्या हुई अमोनिया है, अमोनिया लिक्विड फेज में अमोनिया है, तो जैसे लिक्विड फेज में अमोनिया नीचे आएगी और स्टीम के कॉन्टेक्ट में आएगी तो तुरंत वेपराइज हो जाएगी, उसकी तो फेज ही चेंज हो गई तो उसमें टर्बुलेंसी नहीं क्रिएट होगी। तो टर्बुलेंसी वहीं क्रिएट होगी जहाँ पे हमारा कोई फेज चेंज ना हो, लिक्विड ही रहे इनमें भी और आउटलेट में भी, सेल साइड के इनमें भी लिक्विड ही रहे, सेल साइड के आउटलेट में भी लिक्विड ही रहे, तब ये आप कह सकते हो कि ये जो है टर्बुलेंसी क्रिएट करेगी। लेकिन अगर फेज चेंज हो गया तो टर्बुलेंसी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो तो जैसे लिक्विड अमोनिया है आपने जैसे सेल साइड में डाला वो तो वेपराइज हो गए, स्टीम के कॉन्टेक्ट में आकर वेपराइज हो गए तो उसका फेज ही चेंज हो गया, पहले वो लिक्विड थी अब गैस हो गया, तो जहाँ पे फेज चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे आप ये पहला स्टेटमेंट नहीं दे सकते। दूसरा क्या है इसका एडवांटेज, इसका पर्पस क्या है दूसरा, कि वेफल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्यूब एंड रिड्यूस वाइब्रेशन बाय होल्ड द ट्यूब। ये जो है वेफल्स जो होती हैं ये ट्यूबों को होल्ड करके रखती हैं, या ट्यूबों को एक तो होल्ड करके रखती हैं या आप कह सकते हो ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी और एक तरह से वो जब सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी तो जिसकी वजह से इसमें क्या होगा वाइब्रेशन, जो होने वाली वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये ट्यूबों को एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं बाय होल्ड उसको होल्ड करके उनको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ
अगर किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं सीधे गिर जाऊंगा, अगर मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, अगर कोई मेरे पीछे और खड़ा होगा दूसरा व्यक्ति, तो अगर मुझे आगे से धक्का मिलेगा तो वो व्यक्ति मेरे लिए एक तरह से सपोर्ट होगा और मुझे गिरने नहीं देगा। जैसे ये दीवार है, दीवार या बोर्ड कह लो, तो ये मेरे लिए सपोर्ट है, मुझे गिरने नहीं देगा। तो इसी तरह ये जो है वेफर्स जो है ट्यूबों को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, और जिस और वो एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं एंड रिड्यूस वाइब्रेशन, और एक तरह से वाइब्रेशन भी रिड्यूस करते हैं बाय होल्ड द ट्यूब, ट्यूबों को होल्ड करके पकड़ के रख के इनमें जो वाइब्रेशन होती है उसको भी क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। तीसरा जो एडवांटेज है, मेन एडवांटेज है, वो है कि वेफर इंक्रीज रेसिडेंस टाइम या कॉन्टेक्ट टाइम बिटवीन ट्यूब एंड सेल साइड फ्लूड। जो इसमें जो है, एक तो ट्यूब साइड में जो फ्लूड जा रहा है और एक सेल साइड में फ्लूड आ रहा है, तो उन दोनों में जो है कॉन्टेक्ट टाइम या रेसिडेंस टाइम को इंक्रीज करने का काम जो है कौन करता है दोस्तों, वेफर्स करते हैं। जैसे सपोज करो ये लिक्विड है, अगर वेफर्स नहीं लगी होती तो लिक्विड यहाँ पे नीचे गिरता और ब्राइट ग्रेविटी यहाँ पे आउट हो जाता, ठीक। लेकिन हमने वेफर्स लगा दिया, तो वेफर्स की वजह से क्या है, लिक्विड पहले यहाँ गिरा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घूम के तब ये बाहर आया। तो पहले जो 1 मिनट में जो निकल के बाहर जा सकता था, लेकिन अब उसको बाहर निकलने में कितने टाइम लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। आप इसका जो है लेटेस्ट जो है अपने जीवन में भी वेफल्स का जो है एडवांटेज ये वाला देखे होंगे, जैसे आपने कभी अगर हॉस्पिटल गए हों, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जितने भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं, या आप अगर गए हो एयरपोर्ट पे, अगर एयरपोर्ट गए हो कहीं, या कहीं आप टेंपल गए हो कहीं मंदिर, तो आप देखोगे कि वहाँ भी वेफल्स लगी होती हैं। मैं हीट एक्सचेंजर की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे अलग बात कर रहा हूँ, कि वहाँ भी जो है रेसिडेंस टाइम बढ़ाने के लिए जो है जो बेफल्स लगे होते हैं। जैसे आप जैसे मैं एयरपोर्ट गया था, तो एयरपोर्ट में मैंने देखा कि जैसे यहाँ पे हमारा काउंटर है, ये हमारा काउंटर है, तो यहाँ पे एक लाइन है, तो लाइन जो है ये लगी है, तो ये लाइन जो है बेफल्स टाइप की लगी है, एक ये है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, यानी कि पहले व्यक्ति अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से पहले इधर से जाऊँगा, फिर ये एक लाइन एक अलग से बेफल्स लगा दें, तो फिर उससे घूम के, फिर ऐसे घूम के, फिर घूम के, तब जाके काउंटर पे जाऊँगा। ऐसे ही मंदिरों में या हॉस्पिटल पे होते हैं, जहाँ पे ढेर सारी दवाइयों, जहाँ पे दवा लेने जाओ बाहर से दवा, जैसे जो मेडिसिन काउंटर होते हैं, तो वहाँ पे जो है आप लंबी लाइन तो लगा नहीं सकते, तो वहाँ पे छोटे से ही कमरे में बेफल्स दे देते हैं कि आप जो है आप ऐसे घूमते 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 तब वहाँ पे मेडिसिन के काउंटर पे पहुँचोगे। या कहीं टेम्पल में भी देख लो, तो टेम्पल में भी खूब ढेर सारे जो ऐसे ही एक तरह से जो है बेफल्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से मेन तो भगवान यहाँ पे हैं, और आप वहाँ पे चाहो तो वेफल्स ना लगे तो 1 मिनट में पहुँच सकते हो, लेकिन वेफल्स लगा दिया जाता है ताकि वो जो है कॉन्टेक्ट टाइम जो है रेसिडेंस टाइम बढ़ जाए। आप पहले ऐसे घूमते 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 तब उनके पास जाओगे, उनका दर्शन जो भी करोगे। तो ये एक तरह से दैनिक जीवन में आप देख सकते हो वेफल्स को, कि इसका जो काम है जो इंक्रीज इंक्रीज जो है कॉन्टेक्ट टाइम को इंक्रीज कराना या रेसिडेंस टाइम को बढ़ाना, होल्डिंग टाइम को बढ़ाना, जिसकी वजह से जो है ट्यूब ट्यूब साइड के फ्लूड में और जो है सेल साइड के फ्लूड का जो है कॉन्टेक्ट टाइम अधिक होगा। जितना कॉन्टेक्ट टाइम अधिक होगा उतना ही हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी अधिक होगा। तो ये 3 पर्पज है हमारे बेफल्स का, जो हीट एक्सचेंज में यूज होते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको और कोई मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।